गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम तुरई की सब्जी बनाने वाले हैं और इसको चना दाल में बनाएंगे। तुरई की सब्जी कई प्रकार से बनता है। इसको दूध में भी बनाया जाता है, चना दाल में भी बनाया जाता है, खाली मसाला में भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम चना दाल के साथ बनाएंगे आसान विधि से और खाने में बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है। छत्तीसगढ़ में अक्सर इसको इसी तरह से बनाया जाता है जैसे आज मैं बताने वाली हूँ। तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस तरह से देखिए तुरई लिए हैं, ये 1 किलो तुरई है साफ फ्रेश, इस तरह से बढ़िया लिए हैं। ज़्यादा मोटा इसको नहीं लेना है, इसी तरह से थोड़ा पतला रहता है तभी अच्छा रहता है। और इसको 1 किलो लिए हैं। इसके बाद इसमें चना दाल डालने के लिए, चना दाल को करीब 100 ग्राम है फुला दिए हैं, ज़्यादा पूरी तरह इसको रात के फुला दिए थे और उसको पानी को निथार के रख लिए हैं। एक प्याज ले लिए हैं काट के, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं और अदरक और लहसुन और एक हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिए हैं, 1 चम्मच है ये। लाल मिर्च पाउडर है और ये गरम मसाला है, सरसों के दाना है, जीरा है और धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है। और सब्जी को बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल भी ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से तुरई है, इसको काट लेते हैं। तो इसको काटने के लिए इसका ये सामने का भाग रहता है, पीछे का भाग रहता है, इस तरह से इसको काट लेना है। उसके बाद इसको छिलनी में ऐसे करके इसको छील लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह इसको छील लिए हैं। इसके बाद इसको ऐसे गोल गोल काटना है और इसको काटने के बाद फिर इस तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ऐसे लंबा शेप में। इसी तरह से मैं पूरा इसको तुरई को काट के रख लेती हूँ। इस तरह से देखिए पूरा तुरई को काट के रख लिए हैं, ये एकदम बढ़िया फ्रेश ताज़ा है, इसी तरह से तुरई लेना है। चलिए इसका सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए इस तरह से एक कढ़ाई गरम कर लिए हैं और उसमें 3-4 चम्मच तेल डालना है। तेल को गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालना है और आधा चम्मच इस तरह से सरसों के दाना डालना है और इसको फिर चटकने देते हैं। इसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज है, इसको डालना है। प्याज को थोड़ा देर भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा देर भूनने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिए थे इसको डाल देना है और थोड़ा देर भून लेना है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। ध्यान रहे अभी गैस की फ्लेम को कम रखना है और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालना है और गरम मसाला को इसमें कम डाला जाता है, आधा चम्मच डाली हूँ मैं। इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाला जाता है और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं। और इसको बिल्कुल गैस के फ्लेम को कम करके हल्का से इसको भून लेते हैं, क्योंकि ये सूखा मसाला है इसीलिए इसको धीमी आँच में भुना जाता है। मसाला भुनने के बाद इसमें ये तुरई काट के रखे हैं इसको भी डाल देते हैं। इसके बाद इसको चला लेते हैं और गैस के फ्लेम को थोड़ा से बढ़ा देना है और इसी तरह भूनते हुए इसको पकाना है। ये देखिए इसको ऐसे चलाते हुए भुने हैं, पूरा इसमें मसाला का कोटिंग हो गया है। तो अभी ये चना दाल है इसको भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि चना दाल भी थोड़ा से पकता है और इसको भी बढ़िया से मिला लेते हैं। इसी स्टेज पे अभी इसमें नमक भी डाल देना है। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सभी चीज़ को डालने के बाद, मिलाने के बाद इसको ढक देते हैं और गैस के फ्लेम को कम कर देते हैं तो ये बढ़िया से पक के तैयार होगा। इस तरह से देखिए इसको थोड़ा देर इसको
ढक के और धीमा आँच में रख दिए थे और साथ ही इसमें नमक डाल दिए थे। तो ये तुरई का ही जूस है, इसमें थोड़ा सा एक बूंद भी पानी इसमें नहीं डाले हैं और इसको धीमी आँच में थोड़ा देर और पकने देते हैं। इसी के पानी से, इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तभी बढ़िया स्वादिष्ट ये सब्जी बन के तैयार होता है। इस तरह से देखिए, बीच में एक एक बार इसको चला देना है और इस तरह से धीमी आँच में इसको ढक के पका लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसको 15-20 मिनट तक से ढक दिए थे और आँच को बिल्कुल धीमा कर दिए थे, तो इसमें पानी पूरा अच्छी तरह से निकल आया है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाले हैं। अब क्या करना है, गैस के फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देना है और इसको थोड़ा से और पका लेना है। ये पानी को थोड़ा से सूख जाए इतना पकाना है हमको। इस तरह से देखिए, इसको तेज आंच में ऐसे चलाते हुए पका लेना है और ध्यान रहे शुरू में धीमा आंच करके इसका ढक देने से बढ़िया से पानी इसका निकल जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा तेज आंच करके चलाते हुए इसी तरह से पका लेना है। ये हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है, बस ऐसे ही रहता है। अब इसको सर्व, इस तरह से देखिए, तुरई और चना दाल की सब्जी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया, आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। इसको रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं या दाल चावल के साथ भी खाने से अच्छा लगता है ये। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं, छत्तीसगढ़ में अक्सर इसी तरह से इसको बनाया जाता है, तो मैं इसलिए बनाई हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं और खाएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।